एंड फाइनली हम बहुत करीब आ चुके हैं, वो सामने नल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और हम इतना ज़्यादा चल के हैं, फाइनली हमें मिल ही गया है और अब हम उसके करीब पहुँचने वाले हैं। तो ये रहा नल, वो सामने। और अब हम इसे चलाएंगे, ठंडा पानी निकालेंगे और फिर हम यहाँ से पानी पी के दोबारा वापस अपने रास्ते पे। बड़ा ठंडा पानी है। मज़ा आ गया यहाँ पे, ठंडा ठार पानी, पंजाबी में बोलते हैं ठंडा ठार, वैसे उर्दू जुबान में इसे ठंडा पानी कहते हैं और इंग्लिश में कूल। और यहाँ पे ये जानवर वगैरह वगैरह के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि जो भी यहाँ से पानी जाए यहाँ पे शाम को या दिन को, जो परिंदे वगैरह होते हैं, जो गीदड़ वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे आके पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं यहाँ पे। ये जी नबील भाई अपनी गर्मी दूर कर रहे हैं, इतने दूर से चल के आए हैं। परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं इस वक्त, तकरीबन शाम का टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं, फिर भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त हम पानी पी रहे हैं, आप पानी पियेंगे और वापस घर की तरफ हम चल पड़ेंगे, दोबारा दूसरे रास्ते से हो गए। तो अब हम पानी पीने के बाद हम दोबारा वापस अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि ये जंगल है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, फिर अंधेरा पड़ना शुरू हो जाएगा। है बिल्कुल बिचू काट ली है, तो मैं उतना बोलना है कि अब गर्मी की शिद्दत बहुत कम हो गई है। अब ज़रा सूरज थोड़ा सा ढल चुका है और अब थोड़ी सी मौसम खुशगवार हो गया है, हवा थोड़ी सी ठंडी फील हो रही है। तो पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी क्योंकि वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था, सूरज बाहर था, अब वो ग्रुप हो रहा है और अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया। और अब हम दूसरे रास्ते से हो के इधर से तो वापस अपने खेतों से हो के दोबारा वापस घर जाएंगे। और आज बहुत मज़ा आया हमें घूमने का, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम घूमने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लगा। ये जंगल में इतना प्यारा रास्ता बना हुआ है और यहाँ से हमने गुजर के जाना है, बड़ा अच्छा बना हुआ है रास्ता यहाँ से, मगर लेकिन इसमें ये होता है, इसमें आप बोल नहीं सकते, ये सीधा रास्ता बना हुआ है और उधर से फिर वो हमारे खेतों की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से हम वापस घर जाएंगे। दिल नहीं कर रहा वैसे हमारा ना घर जाने को, इतना प्यारा है ये वाला, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे घूमने का, बिल्कुल साइलेंट सा माहौल है इधर। ये आपको दरख्त नजर आ रहे होंगे, ये वाले,
ये सारा यहाँ से ही हमने गुजर के आगे जाना है। यहाँ पे वो सामने शायद लगी हुई है, तो ये जो हम खाते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो लगी हुई है सामने, वो सामने, क्योंकि हम उसके पास नहीं जा रहे कि क्योंकि वो बहुत सख्त होती है, वो डंग मारती है, तो जिससे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इस वजह से हम उसके पास नहीं जा रहे, दूर से देख रहे हैं। हम सिर्फ इसे देखा है और हम चल पड़े हैं क्योंकि ये कहीं वो उड़ ना जाए हमारे ऊपर, तो इस वजह से हम निकल आए वहां से। बड़ा मजा आया आज घूमने का हमें। ये जंगली पौधा है और इस पे ये फूल लगे हुए हैं, ये वाले, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। अगर हमें ये नल ना मिलता तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जानी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब तक बंदा पानी ना पिए तो बंदे से चला भी नहीं जाता। पानी पीने के बाद अब हम अच्छा फील कर रहे हैं। और हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं कि शॉर्टकट से हम जाएं। वो गया खरगोश, वो यहाँ से खरगोश गया है, तो हम देखते हैं अगर मिल जाता है तो। वो सामने चला गया है, वो सामने। ओह माय गॉड, हमारी नज़र बड़ी लेट पड़ी है उस पे, तो वरना हम उसे पकड़ लेते, क्योंकि हमने जाना था उसके पीछे। उसकी वो जो दौड़ता है वो बहुत फास्ट दौड़ता है, तो उसके लिए, उसे पकड़ने के लिए स्पेशल डॉग्स होते हैं, तो वो उनके पीछे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो पकड़े नहीं जाते वैसे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हमने देखा है, क्योंकि हम पहले भी कई बार आए हैं तो हमने खरगोश वगैरह ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज सडनली ये आगे से भाग गया। बड़ा प्यारा था, खरगोश का गोश्त जो होता है बड़े मज़े का होता है, और खासकर ये जंगली जानवर होता है तो इसका जो गोश्त होता है बड़े बड़ा लजीज होता है। हमारा चल चल के बहुत बुरा हाल चुक चुका है, क्योंकि हम आई थिंक 4 से 5 किलोमीटर
चल गए इधर आए, अब हम वापस जा रहे हैं। और ये सब हम आपको वीडियो की शक्ल में आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये उनकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी सुनाई। हम बहुत ज़्यादा चल के आ चुके हैं यहाँ पे।